हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक और नए दिन की शुरुआत में। तो आज है वीकेंड का दिन एंड जैसा कि हम आप लोगों को कल के व्लॉग में बोले थे कि कल हम अपना पूरा व्लॉग्स वगैरह एडिट कर लेंगे एंड उसके बाद फिर आज का जो दिन रहेगा मेरा बस रहेगा पढ़ाई लिखाई करने का। चलो फटाफट से उठ चुके हैं, 10:30 बज चुका है अभी, हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए पास्ता चढ़ा चुके हैं, तो पास्ता बनता है, खाएंगे पियेंगे एंड अभी टू डू लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि हमको काफी सारा चीज कम्प्लीट करने का है। जैसा कि मैम बोल के गई है कि नेक्स्ट क्लास में वो ना अकाउंट्स में नया चैप्टर स्टार्ट करके रेशियो का, तो पुराना चैप्टर जो है कैश फ्लो वगैरह का ये सारा कंप्लीट आपको आज करना पड़ेगा किसी भी तरह। तो चलो ये सब करेंगे एंड बहुत सारा चीज करने का, तो आज के पूरे दिन में मेरे साथ बने रहिए। पूरा अकाउंट्स का नोट्स लेके बैठे भाई, मेरा दिमाग खा गया अकाउंट्स का चैप्टर। बाकी अभी हमें ट्राई बैलेंस में, चले लंच का टाइम हो चुका है, लंच करते हैं, 3:30 बजने वाला। आज के लंच में हम बनाया है चावल और दाल, सोचे थे भुजिया भी बना लेंगे पर भुजिया बनाए नहीं, इसके साथ ही में रखे हैं अचार, तो दाल बाद अचार खाएंगे। सुबह से मैं इतना अकाउंट्स बना लिया कि मेरे दिमाग का अकाउंट्स निकल गया, क्या बोले अभी हम ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बैठे, मतलब समझो ना, तो क्या बोले यार, इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना। अभी हम एक पेपर पे रिवाइज कर रहे थे, मतलब सारा जितना भी थ्योरी पार्ट था वो सारा कंप्लीट करने के बाद अभी बच चुका है 4:30, समझ लो सुबह से बस बैठ के पढ़ रहे, ऊपर से पीरियड्स हो गया, पेट का अलग हालत खराब है, एक तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी, फिर हम सो गए आधा घंटा के लिए, 1 बजे उठ के खाना बनाए, खाना पीना बन गया दाल चावल, सिंपल सा बनाए थे दाल चावल और उसके साथ तो देखे आप लोग, हाँ तो खाना पीना खाए पिए उसके बाद वापस से बैठ गए, तभी 4:30 बज गया। ऐसे किसी को मैथ भारी लग सकता है यार, सबसे ज्यादा टफ चीज तो ये एकदम होता ही नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि अपने दिमाग को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए अपने रूम का थोड़ा साज सज्जा करते हैं, जो स्टिकर्स वगैरह था जब हम मूढ़ी लेने के लिए गए थे ना, तो फेविकॉल साथ ही में लेते आए थे ये 10 रुपए का, तो इससे चलो स्टिक करते हैं पूरे दीवार पे। पहले हम सोचे ना कि पहले तो हम जैसा सोच के रखे थे कि आधा इस दीवार पे आधा इस दीवार पे वैसा करेंगे, फिर मेरा मन में आ रहा था ना कि हम एक साइड में कर देते, फिर हम सोचे कि नहीं, एक साइड से ज्यादा बेटर वही रखेगा जो हम सोच के रखें हाफ ऑफ वॉल पे, और थोड़ा सा और भी कुछ चीज हम सोच के रखें, और साथ ही में आज जो पूरे घर का डीप क्लीन किया, थोड़ा सा टाइम निकाल के ये भी काम किया, बालकोनी वगैरह एकदम सब चकाचक कर दिए, ये सब भी पूरा वापस से साफ सुथरा हो गया, और अभी बेडशीट वगैरह बिछाएंगे, यहाँ का जो बेडशीट था ना इसको अभी धोएंगे थोड़ी देर के बाद धोएंगे, और जो उधर वाला बेडशीट था उसको यहाँ पे दे दिया, बस अभी ऐसे ही हम सोचे कि अल्टरनेट करके धोते, पहले एक उसको धो लेते हैं वो सूख जाएगा उसके बाद उसको देंगे, तो जिसको फिलहाल निकाल के बस ऐसे ही रख दिए। चलो वॉल स्टिकर को स्टिक करते हैं, देखते हैं कैसा होता है अपना रूम। ये सारे स्टिकर को यहाँ पे हम अरेंज कर दिए, और वापस से हम ये 4-5 स्टिकर जो निकाले थे ना उसमें एक स्टिकर फिर से बदले, कौन बदले उतना याद नहीं हमको, बाकी इतना सारा कुछ इस तरह से अरेंज कर दिए, तो चलो सबको पेस्ट करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो स्टिकर तो लग गया कुछ इस तरह से, काफी प्यारा लग रहा है ना, मूड रिफ्रेश करने के लिए स्टिकर लगा रहे थे, और मेरा पेट का हालत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या बताया ना, गंदा वाला क्रैम्स आ रहा है ना, खैर मेरा मन कर रहा है अभी थुप्पा खाने का, तो हम ये कम्प्लीट करते हैं, बेडशीट बिछाते हैं उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ से निकल के, सी गेट पे मिलता है। लग रहा है ना, अभी हम सोचे थे ना यहाँ पे वो नेट लगाने का, बट अभी नहीं लगा रहे क्योंकि ना हम पहले सोचे थे कि नेट लगाएंगे, पता नहीं लाइट कैसा आ रहा है, हमको चेक करने से पहले सोचे थे ना बगल में नेट भी लगा देंगे, बट अभी लगाने के लिए जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, 6:17 हो चुका है, पता है कि फ्लैश कैसे ऑन होंगे, अपने आप फ्लैश होंगे हाँ तो चले ऑन हो गया, इसको यूज कर लेते, 6:17 हो चुका है, अभी हम जो बोले आप लोगों को कब को थुप्पा खाने जाना, तो फटाक से हम चेंज करते चलते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद फिर जो मेरा वो ट्रायल बैलेंस करते उसको कंप्लीट करेंगे, एंड जर्मन का आज ना असाइनमेंट एकदम कंप्लीट करने का है, बस उसमें क्या करना है ना, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया था, इंग्लिश में लिख देते तो मैम बोली कि उसको जर्मन लैंग्वेज में लिखना है, तो बस ट्रांसलेट करेंगे लिखेंगे, क्योंकि कल है 3 अक्टूबर और कल सबमिट करने का डेट है, वो हमको पता नहीं था, अभी हम देखें आप लोगों को दिखाते हैं अपना पूरा लिस्ट बना के रखे हुए हैं, यहाँ पे देखते हो स्टिकी नोट में हम अपना सब कुछ चिपका दिए, जैसे असाइनमेंट का लास्ट डेट 3 अक्टूबर है, जर्मन का, टेक्नोलॉजी का है 30 अक्टूबर, ये तो चलो टाइम है इसमें, और अकाउंट्स में भी टाइम है, बट बिजनेस कम्युनिकेशन को भी कंप्लीट करना होगा ये 8 अक्टूबर तक, और एग्जाम का डेट देख रहे हो यार कितना ज्यादा, मतलब नजदीक नजदीक है, 21-24 तारीख को 2 एग्जाम है, 25-22
भाई एक तो इस चीज का दुख है कि इतना जल्दी जल्दी एग्जाम है, लेकिन खुशी इस बात का है कि 30 तारीख से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड ये मेरे स्टूडियो का कुछ कुछ वर्क, पूरा घर का साफ सफाई किए हैं पता है। लेकिन आप ना हमको एक चीज बताओ, ये ना राहड़ दाल है, पता नहीं इसमें काहे व्हाइट व्हाइट ऐसे फंगस सा लगे, इसको हम कैसे बनाए? मतलब मेरे ना बालकोनी में धूप वगैरह आता नहीं है, तो हम इसको निकाल के प्लेट में रखें, बट मम्मी बोली ना इसको थोड़ा फ्राई कर दो बस ऐसे बिना तेल वेल के, तो शायद ये ठीक से रह जाएगा, तो इसको कर देंगे। मतलब ऐसे रखने से तो अच्छा है, कर दे। बाकी आजकल रात का डिनर का कोई इशू नहीं है, थोड़ा चावल भी बचा है और दाल भी बचा है, तो इसको आके खा लेंगे। चीज और दिखाते हैं, ये वाले मरकरी को देखते हो, इस जगह पे एकदम अटैच कर दिए। अब ये ने तो वहां रहता था ना, बार बार गिरता था, गिरने के चक्कर में एक बार तार खींचा गया था, फिर हमसे लग भी नहीं रहा था, कितना मुश्किल से इसको लगाना पड़ा। और हम क्या सोचे ना, इसका इस वाले बॉर्डर पे ब्लैक कलर से मतलब कुछ डिजाइन करके बॉर्डर कर देंगे, अभी तो नहीं, जिस दिन छुट्टी मिलेगा उस दिन करेंगे। धीरे धीरे करते करते देखो हो ही जाता है, उधर में भी ये लाइट लगा दिए तो धीरे धीरे हो गया, उधर में आज उस दिन पेंटिंग करे तो हो गया। एक बार में सोचोगे ना कि ये कर लेना वो कर लेना तो होता नहीं है, तो धीरे धीरे जब टाइम मिलता है तब करो। अभी ये सबसे फ्री हो गए, अब आते खा पी के, उसके बाद फिर डिनर में तो बस इसको गर्म करके खा लेंगे और फिर हम बैठेंगे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने। तो मीना ने मोमो ही खाने लगे। अच्छा सूप का यहाँ कुछ और सीन, आप लोगों को बताते हैं, कल खाएंगे तो कच्चा ही सही है। कितना हो गया? 165। हम के स्नैक्स के साथ साथ शॉपिंग भी हो गया थोड़ा थोड़ा, डेली यूज का सामान लेते लेते धीरे धीरे देखते पूरा प्लास्टिक फुल हो गया। आटा वगैरह खत्म हो गया था उस दिन लेने का, तो लिए नहीं थे, सोचे निकले ही मार्केट ले लेते हैं, वैसे तो कल बनाने का प्लान नहीं है, बट अब हम पनीर ले लिए तो आटा रोटी और पनीर बना देंगे। बाकी देखिए कल का कल क्या करते हैं। समझ में तो एक वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ देखते हो जर्मन का असाइनमेंट कंप्लीट करने, क्योंकि कल इसको सबमिट करने का है, और साथ ही में मंचिंग के लिए यहाँ रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं इसको, पंजाबी तड़का। एक जो टॉपिक रह गया था ना ये वाला, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, दो टॉपिक मिला है एक जैसा, ठीक है। एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज है और एक नेबरिंग कंट्री है, दोनों में सेम सेम कंट्री आ रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। एक टॉपिक लिख चुके हैं, तो चलो दूसरा फटाफट से लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं, और फिर हम कुछ और बोल रहे थे, आई थिंक हम भूल गए। आज के शॉपिंग में कुछ ये सारा चीज लाए थे, देखते इतना बड़का लिस्ट लाए 165 रुपीज का, एंड साथ ही में शिमला मिर्च ले लिए एक। अब देखते कल क्या बनाएंगे। देखो ना एक ये पनीर मिला, कुछ बांग्ला करके लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आप लोग बताइए। तो जो भी पनीर है 42 रुपीज का, तो ये ले लिए, कल बना लेंगे। और आटा लेना था, केला लिए, साथ ही में हल्दी खत्म गया तो मेरा, तो हल्दी का ही छोटा वाला पाउच ले लिए, और बस ये कॉर्नफ्लेक्स लिए, ये तो एक्स्ट्रा में कॉफी ली और एक चॉकलेट ले, तो खा गए। कल का हम रूटीन सरिया लिया, कल जर्मन होने वाला और हमको कल ना फाइल लेना पड़ेगा। देखते हो जर्मन और बिजनेस कम्युनिकेशन हम एक ही साथ रखे हैं, और फिर हम कंफ्यूज करेंगे वहाँ पे, और कल ये सब होने वाला। और साथ ही में मेरा असाइनमेंट फाइनली कंप्लीट हो गया, बस मैं फोटोज वगैरह पेस्ट करने का रहा। वो क्या करते हैं ना, लैपटॉप पे अभी सारा को अरेंज कर लेते हैं, वो कॉलेज में भी करके कर देंगे, और शायद ना मैम इसको स्टैपल करके मांगे, तो फाइल लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार पूछ लेंगे किसी से, नहीं तो अगर फाइल भी लगेगा ना तो वो वहीं पे ले लेंगे, मतलब कॉलेज के, क्या बोलते हैं यार, कॉलेज के कैफे में। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। और अगर इस वाले वॉल स्टिकर का लिंक चाहिएगा तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे हम ऐड कर दिए हैं। और सोचे थे आज वीडियो वगैरह नहीं बनाएंगे, पर देखो थोड़ा थोड़ा करते करते आज छोटा सा वीडियो सही, लेकिन हाँ बन गया। तो चलिए मिलते हैं फिर से कल सुबह 8:30 बजे एक और नए शानदार ब्लॉग्स के साथ। बाकी कल क्लासेस है, 4 क्लासेस प्लस एक वर्कशॉप भी होने वाला है, तो वो सब भी अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो क्लास के बाद है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट सर ग्रुप में मैसेज किए तो जाना ही पड़ेगा। देखिए कल क्या करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अब कल। ओके बाय।